हाय गाइस, हाउ आर यू? आशा करता हूँ आप ठीक होगे। सो वेलकम टू माय न्यू चैनल जुंदल्स ब्लॉग। सो हाल ही में मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी माय इंट्रोडक्शन की, तो उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं अपना एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, सुसाइड। सुसाइड नाम तो बहुत ही छोटा सा लगता है, बट है बहुत डरावना। तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होती। तो आपको पता ही होगा कि मतलब हमारे इंडिया में यंगस्ट लोग हैं जो, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत है। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में हमारे इंडिया में से स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपने पेपर में या एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। कईयों के मार्क्स कम आ जाते हैं, कोई फर्स्ट नहीं आ पाता, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी क्या पेपर शीट के आगे हार जाती है? ये देखा, न्यूज़ आई थी कि टिकटॉकर्स हैं जो, एक खुश रंधावा हो गया और सिया कक्कड़, दोनों हाल ही में सुसाइड कर लिया। तो मतलब सुसाइड का कोई प्रॉब्लम का कोई हल नहीं होता। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने घर वालों से शेयर करो, नहीं तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा उससे शेयर करो, अपने अंदर मत रखो ये सब। तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या फ़ायदा? तो उसकी गलतियों को क्या करेंगे हम? हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनका मर्डर हुआ या फिर उन्होंने सुसाइड किया ये तो हमें नहीं पता, बट जो बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, वो सुनकर काफ़ी लोगों को एक झटका सा महसूस हुआ। गाइस, अपनी स्ट्रेस को स्ट्रेंथ बनाओ, ताकि ये जो हम सुसाइड नाम की बीमारी है ये अपने वर्ल्ड से ख़त्म कर पाए। प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड नहीं होता। और मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मतलब आप कोई भी हो, चाहे आपका कोई दुश्मन हो, किसी को भी आप डीमोटिवेट मत करो, उससे वो टूट जाता है गाइस। सो गाइस, खुश रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो, और कपिल शर्मा शो देखते रहो। और थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना, और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और थैंक यू फॉर मेरे को इतना प्यार देने के लिए।